महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। डम्पिंग यार्डमध्ये कचरा टाकण्यासाठी जागा नसल्याचे कारण देत गुरुवारी धुळे शहरातील कचरा उचलण्यात आला नाही। एकही घंटा गाडी कचरा उचलण्यासाठी आली नाही। परिणामी धुळे शहरात सर्वत्र कचऱ्याचं साम्राज्य निर्माण झाले। महानगरपालिकेच्या 110 घंटा गाड्यांच्या माध्यमातून शहरातील कचरा वरखेडी रोड येथील डम्पिंग यार्डमध्ये टाकला जातो, परंतु पावसामुळे त्या ठिकाणी चिखल झाल्यामुळे कचरा टाकण्यास अडचण येते। त्यामुळे गुरुवारी शहरातील कचरा घेण्यासाठी घंटागाड्या आल्याच नाहीत। नवरंग पाण्याच्या टाकीजवळ सर्व घंटागाड्या दिवसभर उभ्या होत्या। घंटागाडी कचरा उचलण्यासाठी आली नसल्यामुळे शहरात घाणीचं साम्राज्य निर्माण झाले। धुळे शहरातील 12 पत्थर चौक, तहसील कार्यालय तसेच जुनी महानगरपालिका या सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांकडून कचरा टाकण्यात आलाय। सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या कचऱ्यामुळे रोगराई पसरण्याचा धोका निर्माण झालाय। तो कम से कम 4 से 5 दिन का स्टॉक जो है अपन कचरा डेपू जो उनको 4 बना कर दिए महापालिका के अंदर वहाँ रख सकते थे, मगर आज शहर के अंदर बारिश चालू है। बारिश की वजह से जब वो गीला कचरा होता है, गीला कचरे के बाद बदबू आती है, दुर्गंधी फैलती है और लोगों को मलेरिया डेंगू होने के चांसेस है। शेम्बू ठेकेदार जो है उसकी मनमानी कर रहा है और अधिकारी ने उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बार बार जो है घंटा गाड़ी नहीं आती है, कचरा उठता नहीं है, एक दिन गाड़ी आई दूसरे दिन गाड़ी नहीं आएंगी, ये नागरिकों की तकरार रहती है। आज शहर के अंदर पूरी घंटा गाड़ियां बंद कर दी है ये बोल के हुए कि कचरा डेपू के अंदर वहां पर जगह नहीं है, जबकि शहर में 4 डेपू ऑलरेडी उसको जो है 4 भाग के 4 डेपू दिए है कि कचरा वहां लेके जाके खाली कर सकता है। अगर धुलिया शहर की जनता को इसको आरोग्य का प्रश्न बना तो स्वयंभू ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर महापालिका के अधिकारी आयुक्त साहब कार्रवाई नहीं करते तो समाजवादी पार्टी जो है तुरंत आंदोलन करेगी। उत्तर महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा।